मामला बुलंदशहर के राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान का है, जहां क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी डॉक्टर वंदना रानी ने बताया कि जनपद में नकली, भ्रामक एवं मिलावट आयुर्वेदिक यूनानी औषधियों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है, और यदि कोई भी नकली, भ्रामक एवं मिलावटी औषधियों का विक्रय करते पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आयुष के अंतर्गत हमारी पांच पैथियाँ आती हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्धा, नेचुरोपैथी और योगा। इस पे आजकल इनका हमारे जनजीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हम इनको नकार के स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद हमारी एक बहुत पुरानी पद्धति है, तो ये केवल बीमार व्यक्तियों को ही सही नहीं करता है, अपितु जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को भी स्वस्थ बनाए रखता है। आयुर्वेद की मेन विशेषता यही है कि स्वस्थ को भी कैसे स्वस्थ बनाया जाए, ना कि बीमार पड़ने पे उसे कैसे स्वस्थ किया जाए। इसमें आजकल हमारे यहाँ सरकार इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और कोविड में जो इसका क्या कहते हैं प्रभाव देखने को मिला, वो तो मतलब क्या कहने विचार करने से ही परे था। कोविड के समय में जो बुखार हमारा सुदर्शन और आयुष घनवटी ने सही किया है, वो किसी अन्य पैथी के किसी भी उससे सही नहीं हो पा रहा था। और साथ में हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष काढ़ा का प्रभाव हम लोग आज तक उसके बारे में जानते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।